दर्शकों आप देख रहे हैं ये जो लंबी वहाँ से लेकर के वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक जो आप एक इतनी चौड़ी सड़क नुमा एक पट्टी देख रहे हैं ये है हवाई पट्टी, ढालभूमगढ़ का हवाई पट्टी। इसे ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और इसके आसपास अब कई गांव बस चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ऐसी कोई बात नहीं थी। इतिहासकार बताते हैं, यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यहाँ पर हथियार ले जाने वाले बम बरसक विमान यहाँ से उड़ान भरा करते थे। जब यहाँ पर ढालभूमगढ़ में राजघराना का शासन था, उनके मार्गदर्शन में, अंग्रेजों के मार्गदर्शन में यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर, इस हवाई पट्टी पर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। अभी जब आज़ाद भारत में जब यहाँ पर दूर दराज के इलाकों में पहुँच बनाने के लिए हवाई यातायात को बढ़ोतरी दी जा रही है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इस क्रम में जमशेदपुर में भी एयरपोर्ट की मांग होती रही है और इस हवाई स्ट्रिप जो यहाँ पर एक बना हुआ है, तो लोगों ने एक संभावना देखी थी कि यहाँ पर इस हवाई पट्टी को क्यों ना एयरपोर्ट के रूप में तब्दील कर दी जाए और यहाँ से भी जमशेदपुर में रहने वाले लोगों को हवाई सुविधाएं मिल सके। लेकिन काफ़ी तरह की चर्चाएं हुई। कभी कभी लोगों को सुनाई देता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, तो कभी सुनाई देता है कि यहाँ पर हाथियों की रक्षा के लिए इस योजना को, एयरपोर्ट बनाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या जमशेदपुर को मिलेगी एयरपोर्ट की सुविधा, या ऐतिहासिक धरोहर जो द्वितीय विश्व युद्ध की है, या इसी हालत में पड़ा रहेगा? हालांकि इस तरह के जो भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, ऐतिहासिक इंटरेस्ट की वस्तुएं हैं, उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों के अकूत भंडार होने के साथ साथ इस तरह के बहुत सारे मैनुमेंट्स भी हैं जिसको हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है बात। लेकिन इस तरह की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इनको हमें संरक्षित करनी चाहिए और हमें इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। तो हम चलते हैं कैमरामैन संतोष के साथ ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट से। नमस्कार, धन्यवाद तरुण जी।